नेटवर्क 18 न्यूज 18 लोकल 18 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौहर, इस समय मेरे साथ जो है वो डॉक्टर गौरांग कृष्णा मौजूद हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और कई बड़े सेलिब्रिटीज के जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, मगर उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि स्किन डिजीज के भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब, पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गौहर। डॉक्टर साहब, मैं सीधा शुरुआत करता हूँ बिना किसी टाइम डिले के। क्या इस समय हम लोग ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं हेयर लॉस, बोल्डनेस, या फिर पहले भी थी मगर इस समय लोग ज्यादा अवेयर हो गए उसके प्रति? पहले मैं इस सवाल थोड़ा सा क्लियरिटी हो। तो दोनों ही बातें सही हैं। मैं तो हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लॉस को पिछले 15-16 साल से ट्रीट कर रहा हूँ, तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं हमारे पास वो काफी बढ़ गए। इसका एक रीजन है कि आजकल हेयर लॉस वैसे ही बढ़ गया है और यंग एज में ज्यादा बढ़ गया है। जो प्रॉब्लम 30s-40s की होती थी, अब वो टीनेजर और 20s की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऑफकोर्स वो लोग वरीड ज्यादा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, जो लास्ट एक दशक में, एक डिकेड में हमने एक लाइफस्टाइल चेंज देखा है। स्ट्रेस लेवल्स, जो सोशल मीडिया का जमाना बोल लीजिए, मोबाइल का जमाना बोल लीजिए, जो स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हैं उसकी वजह से एक अर्ली एज में हेयर लॉस हो रहा है और लोग अवेयर भी बहुत ज्यादा हो गए। अगेन, पहले भी था, अभी थोड़ा पहले भी प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ओल्ड एज में होता था, पहले भी ये प्रॉब्लम थी, बट ये नंबर ज्यादा बढ़ गया है और जो लोग सीख कर रहे हैं ट्रीटमेंट, अवेयरनेस वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो दोनों ही चीजें। अब क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स आ चुके हैं, बहुत सारे वेज आ चुके हैं कि आप बोल्डनेस को या गंजेपन को खत्म कर सकते हो, मगर उससे पहले अगर आपको रोकना है या बहुत अर्ली स्टेज पे आपको पता लग जाना चाहिए कि नहीं, अब कुछ बाल गिरने शुरू हो गए हैं, लाइक लोग बहुत ध्यान नहीं देते, कहते एक दो ही गिरे हैं या दो तीन ही गिर रहे हैं, इट्स ओके, तो वो क्या स्टेज है अर्ली स्टेज? देखिए, अगर बाल गिरना है और बाल 10-12-15 बाल गिर रहे हैं तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो नॉर्मल है। पर अगर आपको लग रहा है आपके बाल पतले हो रहे हैं, वॉल्यूम जा रहा है, या अगर 20 बाल गिर रहे हैं उसमें से 5 या 6 से 20% से ज्यादा पतले छोटे बाल हैं, तो ये अलर्ट अलार्म साइंस है। तो अगर आपके बालों में पतलापन आ रहा है और जो बाल गिर रहे हैं वो ज्यादातर पतले छोटे बाल गिर रहे हैं, बॉल्डनेस नहीं दिख रही है लेकिन सिर्फ बाल पतले गिर रहे हैं, तो ये एक अलार्म साइन है और आपको ट्रीटमेंट सीख करना चाहिए। और सर, मैं उस पर आऊंगा कि क्या लोग इस समय जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि और ज्यादा मेथड भी दिख रहे हैं, जैसे पैच दिख रहे हैं, लोग पैच यूज कर रहे हैं, बड़े सारे सेलिब्रिटीज पैच यूज कर रहे हैं, तो क्या ज्यादा बेटर रह रहा है, लोग इस वक्त किस तरफ आ रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अच्छे वेज हैं हेयर रेस्टोरेशन के, या लेट्स से बॉल्डनेस को छुपाने के। ज्यादातर लोग और ज्यादातर यंग लोग आज की डेट में, इवन मिडिल एजेड लोग, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये एक वन टाइम सोल्यूशन है, नेचुरल है, सबसे बड़ा मुद्दा नेचुरल है, बार बार की मेंटेनेंस नहीं है और अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन कई ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे हेयर ट्रांसप्लांट या तो पॉसिबल नहीं है, अनकंट्रोल डायबिटीज, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, या वो कैंडिडेट ही सूटेबल नहीं है, बॉल्डनेस इतनी ज्यादा बड़ी है कि हेयर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता। कई लोग सर्जरी के नाम से डरते हैं, कई लोग चाहते हैं कि हमारा इंस्टेंट चेंज आ जाए, एक महीने बाद शादी है या इंस्टेंट चेंज आ जाए, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट से पॉसिबल नहीं है, जिसमें एक साल लगता है, तो वो लोग पैच की तरफ जाते हैं। तो दोनों ही बहुत अच्छे सोल्यूशन है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग अभी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ द लॉन्गेविटी, परमानेंस एंड द नेचुरल। मैं इसे थोड़ा ब्रेक करना चाहता हूँ, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में भी कई ज्यादा टेक्निक्स हैं, आई थिंक जो मेरी समझ है जहां तक मुझे पता है कि दो टेक्निक्स तो अवेलेबल है, तो दोनों में से कौन सी ज्यादा बेहतर रहती है और दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो हेयर ट्रांसप्लांट में प्राइमरली अभी दो टेक्निक्स होती हैं, FUT जिसको स्ट्रिप सर्जरी भी कहते हैं, जो काफी सालों से पॉपुलर है, और अब जो आज की डेट में ज्यादा पॉपुलर है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सिजन, या उसको आप रूट बाय रूट कह सकते हैं, तो ये आजकल ज्यादा पॉपुलर हो गई है। दोनों ही अच्छी टेक्निक्स होती हैं, दोनों में ही अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स भी और ज्यादातर डॉक्टर्स भी अब FUE की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कट्स नहीं आते, एक बड़ा लंबा चीरा नहीं आता, इसमें स्टिचेस नहीं होते हैं जो कि FUT प्रोसीजर में होते हैं। तो जहां पे कट है, जहां पे चीरा है, वहां पे दाग भी है, वहां पे दर्द भी है, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स और डिस्कम्फर्ट FUE में काफी हद तक बाईपास हो जाती हैं। आप कट नहीं लगा रहे हो, आप रूट्स को वन बाय वन बहुत छोटे छोटे सर्कुलर इंसिजन से बाहर निकाल रहे हो, तो आपको स्टिच लगाने की जरूरत नहीं है, हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, आप अपना नॉर्मल काम, अपने एक्सरसाइज वगैरह पे 10-15 डेज में आप वापस आ जाते हो, कभी आप शेव करते हो तो आपको वो लंबा कट नजर नहीं आता। तो इस वजह से ज्यादातर लोग FUE की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बट कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे मैं मेरे क्लिनिक में दोनों टेक्निक को कंबाइन करता हूँ, जब हमें बहुत ज्यादा बालों की रिक्वायरमेंट है, पेशेंट के पास बियर्ड नहीं है, मतलब सिर्फ सर के बाल लेने हैं, तो इन दोनों टेक्निक को कंबाइन किया जाता है। पैच की तरफ, पैच में कुछ और टेक्निक है, और पैच क्या एक्सपर्ट्स ही लगा सकते हैं या जो इंसान पैच यूज कर रहा है वो खुद भी उसे उतार सकता है, लगा सकता है? क्योंकि रिसेंटली हमने जब बिग बॉस देखा था उसमें एक सेलिब्रिटी का यही हुआ था कि उनके डॉक्टर एक्सपर्ट्स बाहर से आ रहे थे, तो बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में और ज्यादा फैल गया। देखिए, एक तो यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जो हेयर पैच है वो बेसिकली विग्स होते हैं जो आपके सर पे चिपकाए जाते हैं, तो उसमें किसी डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं चाहिए। ये जो पैच के एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर से कुछ जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं, वो धीरे धीरे पैच में अपना काम कर लेते हैं, तो ये एक नॉन मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसको कोई भी पैच एक्सपर्ट कर सकता है।
धीरे धीरे जब पेशेंट जब लोग खुद लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो एक दो साल में खुद ही एक्सपर्ट बन जाते हैं। शुरुआती दौर में लोग सलोन में जाते हैं उसको फिक्स कराने चिपकाने के लिए, पर धीरे धीरे अब होम केयर किट्स अवेलेबल होती हैं तो जैसे जैसे वो यूज टू हो जाते हैं वो खुद ही घर पे वो टेप को चेंज करना, वो बालों को थोड़ा बहुत ट्रिम करना, उसको फिक्स करना वो खुद ही घर पे कर लेते हैं। और क्या टेक्निक है डॉक्टर साहब, और किस तरह से जो है लोग अपना गंजापन छुपा सकते हैं? देखिये अगर गंजापन आ गया हो, अभी हम हेयर लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, गंजापन की बात कर रहे हैं, तो उसमें या तो पैच होता है या हेयर ट्रांसप्लांट होता है। बीच में एक चीज होती है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल बायोफाइबर इम्प्लांटेशन, बना बनाया नायलॉन फाइबर आता है जो आप अपने कलर का अपनी लेंथ का चूज कर सकते हो और उसको आपके सर पे इंसर्ट कर दिया जाता है। ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि इसके प्रॉब्लम ज्यादा है, इसमें बॉडी में सर पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इसको हम फॉरेन बॉडी रिएक्शन बोलते हैं, जिससे फुंसियां, बाल तोड़ जैसे पस वाले लीजन्स, ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। लेकिन ये भी एक टू कंप्लीट द डिस्कशन, ये भी एक तरीका है जो कभी कभी कुछ सिनेरियोज में किया जाता है। और कई बार अगर पैच जो बॉल्ड का पैच बॉल्डनेस का पैच है वो अगर बहुत बड़ा नहीं है, वहां पे थोड़े बाल थोड़े बहुत बाल हैं, तो लोग एक ब्लैक पाउडर भी यूज करते हैं, उसको हेयर फाइबर्स कहते हैं, जो आप ऐसे छिड़क लो, तो अगर आपका छोटा मोटा पैच है तो आप उसको हाइड कर सकते हो। कितना ज्यादा वो ठीक है आपकी स्कैल्प के लिए, आपकी बॉडी के लिए? हेयर फाइबर्स, हेयर फाइबर्स बिल्कुल मेडिकली इनर्ट है। क्या वो टेस्ट करवा लेने चाहिए, क्या वो ब्लड टेस्ट करवा लेने चाहिए, या क्या आपको वो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेनी चाहिए जिससे पता लग जाए कि आपकी बॉडी में इस चीज की रिक्वायरमेंट है इसमें, तो इससे आपका गंजापन हो सकता है और आपको ये चीज ले लेनी चाहिए? तो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हेयर लॉस का एक तो रीजन है जेनेटिक कि भाई अब है आपको विरासत में मिला है ये, दूसरा होता है लाइफस्टाइल और डाइट, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको हेयर लॉस है तो आपको अपना विटामिन डी, B12, सारा आयरन प्रोफाइल, हीमोग्लोबिन, ये चीजें जरूर चेक करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इन विटामिन्स का, इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लिंक है हेयर लॉस से। और आपकी डाइट में अगर आपको उसका कोई टेस्ट नहीं, लेकिन आपको पता है कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो वो भी आपको फुलफिल कर लेनी चाहिए। बियर्ड में भी देखा जा रहा है, जो यंग यूथ है बियर्ड का बहुत फैशन चला है, डार्क बियर्ड रहने का, तो लोग बियर्ड में भी जो है सबका पैचेस लगवा रहे हैं या फिर आपके दूसरी जगह से बाल उठा के लगा रहे हैं, ये ट्रेंड कितना अभी पॉपुलर है? ये आई एम वेरी सरप्राइज कि आपने यहाँ तक अपनी रिसर्च की है, क्योंकि बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट काफी पॉपुलर हो रहा है अब। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट लोग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कई लोगों को एक पर्टिकुलर शेप ऑफ द बियर्ड चाहिए, कई बच्चों में लेट से 20-22 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, प्रॉपर बियर्ड नहीं आ रही, एक सोशल इनसिक्योरिटी की वजह से करवाना चाहते हैं। कुछ ट्रांसजेंडर केसेस, सेक्स रिवर्सल केसेस भी हैं जो बियर्ड में आते हैं, सो ये भी एक पॉपुलर हो रहा है। मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि मेरा मानना है कि ये इसको जिसको हम लोग कहते हैं ना ओवरडन हो रहा है कि अब कुछ ज्यादा ही आप कर रहे हो, तो लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं जेन्युइनली बियर्ड नहीं आ रही है और यहाँ पे आप करा के इनका थोड़ा सा जो सोशल इनसिक्योरिटी उस पर हेल्प कर सकते हैं, तो बियर्ड स्कैल्प टू बियर्ड ट्रांसप्लांट होता है। कितने पैसे लग रहे हैं इस ट्रांसप्लांट में? बियर्ड ट्रांसप्लांट में जनरली सर जितना टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है प्रोसेस, तो उसमें थोड़ा सा कम 1-1.5 लाख रुपए का कॉस्ट आता है। इस समय क्या रेट चल रहे हैं ट्रांसप्लांट के, पैच के, किसकी सर्जरीज के क्या रेट चल रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप बताएं? तो ये देखिए हेयर पैच फिर भी एक कमोडिटी है, उसका मैं आपको आइडिया देता हूँ। तो एक हेयर पैच जो बहुत ही हल्की 22 लाख, दो तरह के हेयर पैच होते हैं, ह्यूमन हेयर, नॉन ह्यूमन हेयर, आर्टिफिशियल हेयर। आर्टिफिशियल हेयर थोड़ा सस्ता होता है, ह्यूमन हेयर का पैच थोड़ा सा महंगा होता है। रेट 10,000 से लेके 30,000-40,000 तक रेट डिपेंड करता है, ये जो वेरी करता है उसके दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल्स होते हैं, एक तो हेयर क्या था आर्टिफिशियल या ह्यूमन, दूसरा एक पैच का एक बेस होता है, तो एक बड़ी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है जो आपके स्कैल्प पे इतना इच नहीं देता और पानी वगैरह बड़े अच्छे से पूरा होता है, क्लीन हो जाता है, और एक होता है थिक कपड़ा तो जिसमें पसीना ज्यादा जमता है, गंदगी ज्यादा जमती है, दूसरा उसकी ड्यूरेबिलिटी, अच्छे कपड़े की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, बाकी कपड़े जल्दी फट जाते हैं, और थर्ड जिस सलोन से आप करवा रहे हैं, अगर वो अच्छा फैंसी सलोन है आपको अच्छी सर्विस दे रहा है तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। आप एक थोड़े छोटे मतलब एक 5-star रेस्टोरेंट वर्सेस 1-star रेस्टोरेंट, ये वाला डिफरेंस होता है। इन तीनों से पैच का 10,000 से 50,000 का डिफरेंस होता है। हेयर ट्रांसप्लांट कमोडिटी नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट एक डॉक्टर लेड ट्रीटमेंट है, एक सर्जरी है, तो जैसा डॉक्टर की एक्सपर्टीज है, जिस शहर में वो डॉक्टर या वो क्लिनिक है, अब दिल्ली वर्सेस कानपुर करेंगे तो दिल्ली में थोड़ा सा कॉस्टली होगा वर्सेस कानपुर, उसकी रेपुटेशन कैसी है, जो क्लिनिक पिछले 15 साल से अच्छा काम कर रहे हैं वो अपना एक प्रीमियम चार्ज करते हैं, क्योंकि पेशेंट को उस तरह की फैसिलिटी मिलती है, उस तरह की सेफ्टी मिलती है, उस तरह के रिजल्ट मिलते हैं, वर्सेज जिसने अभी अभी हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया है ट्रेनिंग लेके, उनका कॉस्ट थोड़ा सा कम होगा, तो वो 60,000-70,000 रुपए से लेके 3-3.5 लाख रुपए तक ये रेट होता है। मेरे क्लिनिक में ऑन एन एवरेज 2-3 लाख रुपए का ट्रांसप्लांट होता है। अभी मैं अंत में चाहता हूं कि आप बताएं कि आपकी लोकेशन क्या है, क्लिनिक की कहां है, जहां पे आप देखते हैं, क्या समय रहता है, क्या टाइमिंग रहती है, कब तक खुली होती है? तो जी अभी बेडलिंग्स के फिलहाल 2 ब्रांचेस हैं दिल्ली के अंदर, एक सफदरजंग इनक्लेव में है और एक दूसरा पंजाबी बाग में है। मैं पर्सनली सफदरजंग इनक्लेव वाले क्लिनिक में पेशेंट देखता हूं, हमारा पूरा सर्जिकल सेटअप यहीं पर है, यहां पे सारे सर्जरीज अक्रॉस द वर्ल्ड पेशेंट्स आते हैं, 3 दिन हमारे साथ रहते हैं और यहां पे उनका प्रोसीजर होता है। न सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट, हमारे साथ बाकी हेयर लॉस
ट्रीटमेंट हर तरह के, जैसे डिस्कस किया दवाइयाँ, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, पीआरपी वगैरह, उसकी अच्छी फैसिलिटीज हमारे दोनों क्लिनिक में, और एक थर्ड क्लिनिक हमारा गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड पे। कब तक खुली होती है? मंडे टू संडे वी आर देयर ओपन, 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मैं और मेरे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए। थैंक यू गोविंद सर, आज समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गोविंद।